ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हरिताल का तीज व्रत है और हम आज इस विषय में यहाँ पे चर्चा करेंगे। भगवान शिव की आराधना से जुड़ा यह पर्व, मान्यता है कि माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। तभी से प्रत्येक वर्ष यह हरिताल का तीज का व्रत जो है सुहागन महिलाएँ अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस पर्व के दौरान सुहागन महिलाएं सुहाग की सभी चीजें मां पार्वती को समर्पित करती हैं। इसके अलावा जन्म जन्म अपने पति को पाने के लिए भी यह व्रत जो है सुहागिन नारियां रखती हैं। इसके अलावा जो कुंवारियां होती हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं और भगवान शिव की तरह अजर अमर पति को शिव जी जैसा पति पाना चाहती हैं, ऐसा इस व्रत का विधान होता है। तो हम आपको बता दें कि इसमें महिलाएं उपवास रखती हैं, व्रत रखती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करती हैं, फिर शुभ मुहूर्त में हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करती हैं। इस दिन माता पार्वती और शिव के साथ पुत्र गणेश की भी पूजा की जाती है और इसके अलावा यहाँ पर जो है घरों घरों में जो है फुलेरा बंधता है, जिसे हम एक सांकेतिक रूप में जो है भगवान शिव पार्वती का स्वरूप मानते हैं और इस तरह से अनेकों फूलों के माध्यम से ये फुलेरा बंधता है और इस व्रत को तीज व्रत भी कहा जाता है। और ये हरितालिका व्रत जो है महिलाएं बड़े श्रद्धा भाव से और उत्साह के साथ यह पर्व मनाती हैं। भारत में हरितालिका तीज व्रत के समय पूजन सामग्री में शिव पार्वती और भगवान श्री गणेश की मिट्टी की मूर्ति के साथ पीला वस्त्र, दही, शहद, दूध, धतूरा, शमी के पत्ते, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, कलश, बेलपत्र, दूर्वा, अक्षत, घी, कपूर, गंगा जल, फुलहरा और 16 श्रृंगार का सामान इसमें मुख्य होता है। तो 16 श्रृंगार के साथ माँ पार्वती का श्रृंगार किया जाता है और 16 उपचार के माध्यम से भगवान शिव के साथ माँ पार्वती और श्री गणेश का जो है पूजा अर्चना वंदना किया जाता है और रात के 4 पहर जो है पूजा की जाती है। इसका सबसे बड़ा विधान यही है और रात्रि जागरण किया जाता है। इसमें महिलाएं नृत्य भजन इत्यादि करती हैं, साथ में पुरुष वर्ग भी अपने परिवारों में महिलाओं का इस व्रत में जो है सहयोग करते हैं और संगीत भजन इत्यादि से जो है रत जगा करते हैं और भक्ति भाव से ओतप्रोत रहते हैं। वैसे हरिताल का तीज व्रत जो है निर्जला ही रखा जाता है और इसमें अब कुछ थोड़ा बहुत सुधार कर लेती हैं, चाय वाय पी लेती हैं महिलाएं। वैसे कोई तरल पदार्थ जो है ग्रहण नहीं करती, खासतौर से रात्रि के 4 पहर में जो है निर्जल ही रहती हैं महिलाएं। ये ऐसा विधान इसमें ध्यान रखना पड़ता है और रात में सोने का विधान नहीं होता है, ये महिलाएं अवश्य ध्यान रखती हैं। तो हरिताल का तीज व्रत के पहले सर्गी किया जाता है और उसके बाद जब समाप्त हो जाता है तो प्रातः गणेश चतुर्थी का भी शुभारंभ होता है, तो इस समय पारण किया जाता है। तो ये महिलाओं को एक कठिन तप हो जाता है और अत्यंत फलीभूत भी व्रत है। कहते हैं कि यह जो है सतयुग से चला आ रहा व्रत जो है अब युगों युगों तक इसकी परंपरा चली आ रही, सबसे बड़ा विधान है और यही इस व्रत का महत्व है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तिथि को इस व्रत का प्रारंभ करते हैं और इसे कजरी तीज भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम आपको बता दें कि यह जो पावन मुहूर्त होता है इस मुहूर्त में यह व्रत एक तपस्या है और नारी वर्ग के लिए एक सर्वाधिक महत्व का व्रत है और कथा है। तो अब हम भक्तों के लिए यहाँ कथा पाठ करते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव से अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को ही पति रूप में पाना चाहती थीं और पिछले जन्मों में उनके पति के रूप में भगवान शिव ही रहे हैं। तो इस तरह से माँ पार्वती हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू करती हैं। माता पार्वती ने इस तप
मैं अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थीं। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी परेशानी बताई। माता पार्वती ने यह विवाह का जो प्रस्ताव है उसे ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी, क्योंकि वही उनके पति हैं। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीय शुक्ला के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की लंबी उम्र होती है और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान श्रद्धापूर्वक करती हैं, उन्हें इच्छानुसार वर की भी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से एक अमिट प्रेम का प्रतीक यह त्यौहार और माँ पार्वती के अमिट सिद्धांतों और अकथनीय प्रेम भावों का जो इस व्रत में विस्तार मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। तो इस तरह से जो गृहिणियाँ हैं वो इस व्रत को रखती हैं और इसके माध्यम से उन्हें भगवान शिव की तरह पति अथवा भगवान शिव की तरह चिरंजीवी पति प्राप्त होता है। और इसमें विधान है कि रात में महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और सोने से उनका जो अगला जन्म होता है वह निम्न योनि में चला जाता है। कोई पशु बनता है तो कोई अन्य प्राणी बनता है। तो ऐसी स्थितियों में जो है इस व्रत की साधना एक बड़ी तपस्या होती है। और मैं फिर से कहूँगा उन सभी श्रद्धेय और आदरणीय महिलाओं के लिए जो इस व्रत को रखती हैं, अगर आप निर्जला इस व्रत को रखती हैं तभी इसका महत्व है, अन्यथा आपको जो है इस व्रत के स्थान पर और अन्य दूसरी साधनाएँ करनी चाहिए। भगवान शिव, भगवान माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश आप सभी महिलाओं को सपरिवार सुखी और संपन्न रखें। हर हर महादेव।